नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आप सबके बीच। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम एमपी ऑनलाइन के अंतर्गत एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती है, उन मार्कशीटों में करेक्शन और डुप्लीकेट से रिलेटेड यह टॉपिक है। जैसा कि आप सबको पता है कि कभी कभी हमारी मार्कशीट गुम भी जाती है। यह मार्कशीट गुमने के अलावा हमारी 10वीं या 12वीं के मार्कशीट में कभी नाम गलत हो जाता है, कभी फादर्स नेम में कोई त्रुटि हो जाती है, कभी मदर्स नेम में, या कोई एक छोटी मिस्टेक यानी कोई एक स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और अगर किसी की मार्कशीट गुम जाती है तो वो और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और स्कूल वाले और ज़्यादा परेशान कर देते हैं इधर उधर की बातें बता के। तो दोस्तों, इसका निवारण, इसका सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन कर दें। डुप्लीकेट का मतलब है द्वितीय प्रति। इसके आवेदन के लिए हमें जाना पड़ता है। सबसे पहले हम खोलेंगे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम लिखेंगे गूगल क्रोम में, खोलने के बाद गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे mpbsc.mponline। ये वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट दिख रही है, mpbsc.mponline। इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो देखिएगा एमपी ऑनलाइन, एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन का ऑप्शन है आपके सामने। इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यह पूरी प्रोसेस हम एक कंप्यूटर में कर रहे हैं अभी। सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एग्जामिनेशन इनरोलमेंट फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म, और तीसरा है डिलेट फॉर्म्स। हम जाते हैं, ये हमें ज़रूरत है काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जाने की। काउंटर बेस एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे करेंगे ये चौथा ऑप्शन, और ये पांचवा हमारे काम का पांचवा ऑप्शन है। पांचवे ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है डुप्लीकेट करेक्शन मार्कशीट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है अप्लीकेशन एंट्री फॉर्म। हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करते ही देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या पूछ रहा है, कक्षा। कक्षा पे क्लिक करेंगे। मेरे पास एक 12वीं की मार्कशीट है, उससे रिलेटेड जानकारी देखते हैं हम, तो 12th चूज कर लेते हैं। परीक्षा, परीक्षा में पहला ऑप्शन है मेन, दूसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट्री। मेन का मतलब होता है जो पहली बार में पास कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब है जिनका एक आध सब्जेक्ट में गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए, इनकी मार्कशीट मेन की है तो मेन पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये दस्तावेज का प्रकार यही होता है मुख्य। यहाँ डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट माइग्रेशन, करेक्शन मार्कशीट, करेक्शन सर्टिफिकेट, करेक्शन माइग्रेशन, इस तरह के टॉपिक्स हैं इसमें। तो हमको जो है, तो जो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन हमारा सबसे पहले डुप्लीकेट मार्कशीट हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी भी गुमी हुई मार्कशीट को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ष पे जाएंगे यानी ईयर पे, कब की पास आउट की आपकी मार्कशीट है। जैसे ये मार्कशीट 2020 पास आउट है। रोल नंबर पूछा जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे इनका रोल नंबर है 2037254544। इसके बाद देखिए कैप्चा कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे हम। ये कैप्चा कोड कैपिटल या स्मॉल किसी में भी हो सकता है। कैपिटल में डालेंगे या तो स्मॉल में डालेंगे, यानी जैसा दिया रहेगा यहाँ पे सेम एज इट इज डालना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। सबमिट में क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जिनकी मार्कशीट थी उनका पूरा डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो ये हो गई कंफर्म कि हमने इनका जो है तो डेटा जांच लिया कि हाँ, ये मार्कशीट जिस जिस व्यक्ति की हम देख रहे थे उसी की है, यानी वेरिफिकेशन कर लिया हमने। दूसरा है, अब मार्कशीट हमको यहाँ पे क्या करना है, मार्कशीट के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि पहचान पत्र संलग्न निर्देश, कृपया पहचान पत्र में आधार कार्ड अपलोड ना करें। मतलब आधार कार्ड यहाँ पे मान्य नहीं होगा आपका दोस्तों, इसलिए पहचान पत्र का प्रकार। तो फिर क्या होगा, ये ऑप्शन से इसमें से इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा जो जो आपके पास
प्रूफ के तौर पर हो, जैसे पैन कार्ड, पैन कार्ड पे क्लिक कर लिया। पहचान पत्र क्रमांक, पहचान पत्र क्रमांक क्या होगा, पहचान पत्र क्रमांक में हम अभी दोस्तों हम ये सीख रहे हैं, इसलिए मैं रियल का कोई पहचान पत्र क्रमांक नहीं दे रहा हूँ, बस मैं सीखने के लिए ऐसे इनपुट कर रहा हूँ नंबर्स। इसके बाद ऑप्शन है पहचान पत्र संलग्न करें, देखिए चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई भी एक फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा पैन कार्ड ही है, मेरे लैपटॉप में पहले से इमेजेस पड़ी हुई हैं। और देखिए नीचे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली जीपीजी 200 KB साइज, इसका मतलब ये होता है कि जो फोटो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे जो पहचान पत्र की, वो जीपीजी में होनी चाहिए, साथ ही ये 200 KB की साइज, मतलब 200 से ज्यादा की साइज की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, ये देखिए यहाँ पे पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, मतलब आपको यहाँ पे पता देना है, तो मैं अभी तो कुछ भी दे देता हूँ क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ना कि रियल का मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट में मध्य प्रदेश, जिले में जो जिला हो आपका जिला चूज कर लीजिए, जैसे मैंने रीवा कर लिया। पिन कोड आपको देना है 486001। अब यहाँ पे जो एड्रेस देंगे आप दोस्तों, वो एड्रेस पूरा रियल का देंगे आप अपने आधार कार्ड से देख के, क्योंकि मार्कशीट आपके एड्रेस पे आती है। फिर देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे, तो मैं तो फिलहाल अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और ये देखिए ईमेल आईडी का ऑप्शन है, ईमेल आईडी मैं डालता नहीं हूँ, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे स्टार देखिए नहीं लगा है, इन सब में स्टार लगा, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि जहाँ जहाँ स्टार होते हैं वो कंपलसरी फील्ड होते हैं, मतलब अनिवार्य उनको भरना ही पड़ता है, पर इसमें स्टार नहीं लगा मतलब अनिवार्य नहीं है। घोषणा पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही देखिए ये बता रहा है हमें कि कितनी फीस लगेगी, 325 रुपये। अब 325 कैसे फीस लगेगी, 300 फीस है, 25 रुपये पोर्टल चार्ज, यानी एमपी ऑनलाइन वाले को 325 रुपये टोटल आप फीस यहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। 325 रुपये में आपके घर पे मार्कशीट होगी। अब ये फॉर्म भर चुका है हमारा, बस जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जैसे ही ओटीपी आती है हमको यहाँ पे ओटीपी देना है, ओटीपी देते ही हमारा फॉर्म आगे खुल जाएगा। जैसे ही ओटीपी हम देंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओटीपी का, जैसे ही ओटीपी आएगी हम ओटीपी देंगे यहाँ पे, और फिलहाल के लिए मैंने अपना ही नंबर ओटीपी के लिए दे दिया है। जैसे ही ओटीपी आएगी, एक ओटीपी देखते हैं आई हुई है 54 32 27 27 85। अब यहाँ से मैं प्रोसीड टू पे क्लिक करता हूँ, ये ओ टी पी इनकरेक्ट है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये आ गई नहीं ओ टी पी, ये ओ टी पी गड़बड़ थी, 47 4784 84 1511। और प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप दोस्तों प्रोसीड टू पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा फॉर्म एप्लीकेशन नंबर हमें ये प्राप्त हो चुका है और ये मेरा पूरा फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ऑप्शन कौन से दिखाई दे रहा है, पहला दिखाई दे रहा है कियोस्क, दूसरा दिखाई दे रहा है सिटीजन। हमें यहाँ पे कियोस्क क्या होता है, कियोस्क होता है जिनके पास एमपी ऑनलाइन की यूजर आईडी होती है, और सिटीजन क्या होता है, सिटीजन उनके लिए होता है आम नागरिक, आम यूजर, जैसे हम आप, अगर हमारे पास एमपी ऑनलाइन की आईडी नहीं है। एमपी ऑनलाइन की आईडी क्या होती है, एमपी ऑनलाइन की आईडी एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और ये खासकर जो कैफे वगैरह वाले होते हैं जो फॉर्म भरने का काम करते हैं वो लोग लेके रखते हैं। आप भी लेना चाहें तो बड़े आसानी से मिल जाएगी, पर फिलहाल चलिए हम अभी तो पेमेंट करना सीख रहे हैं इसकी। तो सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट के कई सारे मेथड हमें मिल चुके हैं, जैसे नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, और वॉलेट से कर सकते हैं, यानी आप इनमें से किसी भी एक मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे UPI से पेमेंट करने जाते हैं, ठीक है, UPI पे क्लिक करते हैं। UPI में भी देखिए कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट के, पेटीएम है और भी अदर बैंक से, मान लीजिए अदर बैंक पे हम चले जाते हैं यहाँ पे UPI में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये घूम रहा है अभी, सर्वर स्लो हो सकता है या नेट भी स्लो हो सकता है।
ओके करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पेमेंट का ऑप्शन दे दिया इसने यहाँ पे, ये नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्यूआर कोड है, यूपीआई है, हमें क्यूआर कोड से पेमेंट करना है। मान लीजिए स्कैन करके क्यूआर कोड पे क्लिक करिए, मेक पेमेंट पे क्लिक करिए, और एक बार पुनः मेक प्रोसीड टू विथ पेमेंट पे क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, या तो यूपीआई आईडी डाल दीजिए आप, या तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप किसी भी से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी स्कैन करके इस क्यूआर कोड को मेक पेमेंट पे क्लिक करिए, पेमेंट हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। यहाँ क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करिए, पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम अपनी खोई हुई मार्कशीट को पुनः प्राप्त कर सकते हो मात्र 325 रुपए में। कैसा लगा दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो, आप जरूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। धन्यवाद। इस तरह के नए नए वीडियोस मेरे द्वारा आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को हो सके तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको मेरे आगे की भी वीडियोस मिलें, और एक बेहतर से बेहतर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा मैं। धन्यवाद आप सबका।